करहूं कृपा मर्दन माया ना। अमु कहो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना। जासु कृपा सदयाल द्रवहु सकल कली मल दहना। अनिल सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करउ सम मऊर धाम सदा क्षीर सागर शयन। श्री गुरु चरण सरोज रज अनिज मन मुकुर सुधारी। बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। हरिओम हरिओम हरिओम। तो कल आप लोगों ने अनुभव किया कि कैसे दशरथ जी चार पुत्रों और चार बहुओं के साथ प्रसन्न है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे चार शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए। इसी जगह कल हम लोग रुके थे, दोहा नंबर 325 कि मुदित अवध पति सकल सुत अबधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मनी क्रियन सहित फल चारी। आप लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं कि मन मुक्ति की ओर है, अनुभव हो रहा है। तो निश्चित है कि श्रद्धा भाव के साथ जब प्रभु के चरित्र को समझेंगे तो मन अवश्य मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग जो लोग नहीं साध पाते हैं वो ऐसा बाड़ी बोल देते हैं कि नहीं होता, ठीक ना, माया मोह मरता नहीं, ममता जाती नहीं, ये सब कच्ची बाड़ियां हैं। इन बाड़ियों में कोई रहस्य नहीं है, ठीक ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तही करनी। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह की
जैसी विधि वर्णन की गई वैसे ही माने उसी रीति से ही सब राजकुमार ब्याहे गए। ठीक ना, ऐसा नहीं कि बस तुरंत है, पूरा विधवर। ठीक ना, और कहीं न जाई कछु दाई जभूरी रहा कनक मनी मंडप पूरी। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती क्योंकि पूरा मंडप ही सोने और मड़ियों से भर गया। सोना और मड़ी, कंबल बसन भी चित्र पटोरे भांति भांति बहु मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास यरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। सोने और मड़ियों से तो पूरा मंडप भर गया और इसके अलावा बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे। इसके अलावा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु जैसी गायें, ये सब दहेज में राजा जनक जी अब वस्तु अनेक करिय की मिले खा कहीं न जाई जा नहीं जिन्हें देखा। और अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। ये ने तो इधर क्या हो रहा है, लोकपाल अव लोक सिहाने लीन अवध पति सब सुख माने। इतनी वस्तुएं हैं कि उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा रहे हैं, माने जो 14 लोकों के यानी भुवनों के स्वामी हैं वे भी सिहा रहे। और अयोध्या के राज शिरोमणि दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किए। कैसे? लालच रही प्रसन्न चित्त से। और ध्यान दीजिए, लिए दिन जाचे कहीं जो जे ही भावा उबरा सो जनवा से ही आवा। जिसको जो अच्छा लग रहा है जो मांग रहा है सब वही दे दे रहे और जो कुछ बचा रहा वह जनवासे में चला। ठीक ना, जो बचा रहा वो आज अगर यह नीति रख दे तो कुछ नई जन्मवासे में नहीं वो ही कम। ठीक, कहे कि अब स्थिति एकदम पलट गबाना है।
तब कर जोरी जन कुमृदुबानी बोले सब बरात सन मानी। तब इतना देने के बाद राजा जनक जी हाथ जोड़कर सभी बरातियों का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोल रहे, ठीक ना, तो कड़वी वाणी ना निकले समाज में भय, तो कड़वी वाणी ना निकले, हमेशा ध्यान रखा, यहाँ रख के दे सकल है लेकिन समाज में क्या कि ज्ञान के कारण गलती होता ना उनमें, तो कड़वी वाणी बोलता तो फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये अवस्था में आया है तब वहाँ पक्का पक्का बोले में तनको जो है पीछे वहाँ प्रेम है, तब लोग समझिए कहे कि देखे अभी यहाँ बाया सब जने जब बतावा जाला कि देखो कहाँ बाया तैसन लगी कि साथे में बाई, लेकिन अब कहाँ बाया वो आप लोग जाना चाहे ये न तो सन मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कै प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै असिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। एक एक शब्द रहस्य से भरा हुआ है समझे। आदर दान विनय और बड़ाई चार चीज अंगुली पर गिना का बड़ाई, तो आदर विनय और बड़ाई ये तीनों मुफ्त गवाह ने, तो अब ये तीनों देवे में कभी संकोच मत करे। ओकरे बाद जवन जूनी उदान दिया है लेकिन ये तीनों का सपोर्ट रही या नहीं, और आज सब एहू में कंजूसी करे बने पहले नहीं बा मारा भले दस रुपया दे ये नहीं बा नहीं देखिए बदल बने आप एकदम। तो ये चार चीज के द्वारा सभी बरातियों का सम्मान किए जनवा से आके और राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी प्रेम से मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। जिन ब्राह्मण वृंद आए हुए हैं उनकी पहले पूजा और वंदना करते हैं और सिर नवाकर देवताओं को मनाकर, ठीक ना, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु, रहस्य जाने आज, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, ठीक ना, और वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता और इतना देने के बाद कर रहे हैं कि उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता। जो पूर्ण काम है जिसको कोई कामना नहीं तो न क्या देवे,
हाँ यह के पवित्र भाव बा और पवित्र भाव देवे का अर्थ का बा जौन पवित्र भाव से सारा जो है कि तपस्या दान दया से जौन भी भाव से ज्यादा एक एक ग्रहण कर ले यह आपका भाव बा दे सके तो दे अगर ग्रहण नहीं कर सकता है तो भाव देवे कभी अधिकारी गणेश जी कही तो गणेश जी बने सब तो क्या बोली अब ले तो बनी जी बे नहीं अगर ले ले तो यह आप समझ ले भाव दे दे ले कितना बड़ा रहस्य बा महाराज लेवे से दिया जाता हाँ ये ले ही से दिया ही उनका देवे से जब समझबे कि 25-26 साल से शरीर कितना चरित्र करेगा तो वो अपने ऊपर पहले लागू करो कि समझ ले यही शरीर ही से भाबा यो तुम्हारा शरीरिया बात है जब भाव पक्का कर लेबे तब ले लेबे अब नहीं कहे कि अरे महाराज अब जो करे करे उनसे का मतलब तो बस वही इतना कपट हो गया खत्म हो गया यही से लोग कलन बनावे में बड़ा समय लगा ला लेकिन बिगाड़े में क्षण मात्र भी ठीक नहीं माने जो कुछ आप दे ठीक नहीं वो कहते एक अंजलि जल को देकर क्या कोई समुद्र को संतुष्ट कर सकता है इतना राजा जनक जी दिए और उसको क्या कर रहे हैं कि एक अंजलि तो दरअसल अब उतने महान लोग रहे तब ने बेचारे गृहस्थों क्या करिए आने दो बच्चा बाबा जी बन के भी आने दो बच्चा मैं पकड़ में आवा था बात क्या है कि दोनों बात के समझे रहे भाई तब बस सम्मान कर पी गए ठीक न यह बाड़ी जनक जी की है तो पहले जनक जी जैसा बनिए और जनक जी मतलब सब राज करते हुए राम सिंह भाई मत चित तुहर दौड़ा वो जोन उड़े उड़े दे नहीं तो वह अरे हमारा लगोटा वह हाल हो जाएगा ना एकदम चित रखा ही यहाँ कहे कि ऐसे बढ़ के कहीं कुछ न तो नष्ट हो सकला न तो कुछ पा सकल है तो जय भाई आगे बढ़े के पहले एक बात बतावे मोह के होला अरे वाह याद हो गल बस मजा आएगा जेकरे ज्ञान वैराग नहीं रहत मोह वही के राम सिंह भाई के मोह होला वही के मोह सुनु मुनि मोह होई मन जाके अज्ञान विराग हृदय नहीं ताके जकरे अंदर ज्ञान विराग नहीं रहा तो वही के मोह होला और जे भगवान के सेवक बा ओके जौन हो जे पवित्र सेवक बन गल तो के उस चीज से विराग हुई तब बने सेवक बनी नहीं तो सेवक के मोह न हो के अगर मोह लगा था कोई कहते कर मतलब सेवक पक्का पक्का काल में जा रहे इतना मेहनत करके साइकिल तो लेकिन वो प्रेम के समझत है ठीक ने ठीक तो अब माई बाबू के मोह पा ऐसे कि उन्हें ज्ञान बहराज आगे देखा यार
और वो क्या कहते हैं कि कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाय सो असंबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लए। कहते हैं जनक जी भाई सहित कुश ध्वज भाई है ना जनक जी क्या के हाँ कुश ध्वज भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से फिर गिनत जाऊरी पर स्नेह माने परम पवित्र प्रेम दृढ़ अनुराग शील मर्यादा और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर बाणी बोल रहे। जब ये कुल रही दृढ़ है अनुराग शील और सुंदर प्रेम तभी जा करके मनोहर बाणी निकली। अगर ये कुल न रही तो वह कर्कस जैसा क्या एक बार में नहीं समझते क्या तब है कर्कस जैसा बाड़ी भाई दोनों का उदाहरण ले रहा है तब समझ में आई ने। तो देखिए वह मनोहर बाड़ी क्या कहते हैं कि हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। ठीक और आज का व्यवस्था बा जा रहलत नहीं वो लायक लेकिन अब हिंगराज कह दे या कर ले नहीं तो तू कोने गिनती नहीं आज का बाणी देखा उल्टा बाण है यही सुधार हुआ चाहिए कि नहीं। और कहते हैं इतना नहीं कि जनकपुर का जो राजपाट है उस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। माने बिना मूल्य के ये राजपाट और हम दोनों भाई आपके सेवक हैं। ना जो है कि प्रेम बात देखो मैं और आज कह दी अगर ऐसे तो बाबा घोरे कौन खन्ने आलू घोड़े कहे क्या एकदम छूच मार हो गया। प्रेम के समझे वाले भी ठीक ना। और देखिए सब इतनी इतनी गुणवत्ती हैं सीता जी मांडवी उर्मिला और श्रुति कीर्ति इनके लिए क्या कह रहे हैं कि ये दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नहीं अपराधु छमी बो बोली पठे बहुत हाढ़ी त्यो कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन मान निधि समधि किए
कही जाती नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही है। इन बच्चियों के लिए कह रहे हैं दोनों भाई राजा जनक जी और कुश ध्वज जी, कि इन बच्चियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन पोषण कीजिए। टहलनिया है आप तो वृक्ष रूप हैं, घर के मालिक हैं तो आप वृक्ष रूप हैं। भाई भयो पुत्रियां पुत्र सब डाल पत्ते फूल हैं सब आपके राम खिलावन भाई, इनको थोड़ा भी चोट नहीं होना चाहिए। मतलब भी खाली राम खिलावन भाई की नहीं बस सबके बदलवा जे करेगा बड़बड़कवा वा अपन नहीं सुना के जब ई बता रहे जब सुने में अच्छा लगा था उसके धारण कर लेना तब वो आनंद का अनुभव करके देखो एकदम क्या न क्या कर रहे तो ई नहीं बाकी खाली यहाँ से एनहू समझत है सबके ठीक न कहे कि वह बा वृक्ष रूपी व्यवस्था गुरु से होला और ये आपके गुरु का सेवक है केहन लेकिन पक्का वाला भाग तनको कच्चा तो सेवक स्वामी में भेद न हुआ चाहिए तो फिर आप समझ सकल है तो लगता कि इन पक्का भाग हमने कच्चा भाई है भाई लगता कि नहीं कहे कि जब पक्का पक्का लगी तब भाई मनमुख हुई ठीक ना तो समझ गई ना कि जो भी श्रेष्ठ हैं सभी अंग उनके पूरा विश्व ही वो तो ऐसे ही है। और इतना नहीं अब देखिए दूतों को भेजे थे ने बुलाने के लिए उसके लिए क्या कह रहे हैं कि महाराज मैंने बहुत भिठाई की जो आपके यहाँ दूध भोज के बुलवाए ये मेरी बहुत बड़ी झिठाई है और इस अपराध को क्षमा कीजिएगा। तात्पर्य क्या है कि जब हम खुद ही सेवक हैं तो मुझे स्वयं चल के जाना कितना जबकि कभी महसूस किए थे कि ये कोई अपराध है। देखिए यह होती है गहराई प्रेम की गहराई। और कहते हैं कि फिर सूर्य कुल के भूषण सूर्य कुल के आभूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिए। निधि माने खजाना। वो कह रहे हैं इसीलिए कहते सबसे ना कि भाई जिसका जहां भूल हो अपना अपना स्वीकार कर लीजिए सब सरल नहीं हो जाएगा। देखिए अब ऐसा करते हैं और वो सम्मान का खजाना बना दिए। आज भी उनके सम्मान में यही कहा जा रहा है कि यार जनक जी जैसे बनिए तो सम्मान नहीं हुआ। अगर किसी को कहा जाए कि आप उनके जैसा बनिए तो उनका सम्मान ही तो है। तो उनके जैसा बनिए जब ऐसा वो कर्म करे रहेंगे तब ने ठीक यही सब समझिए सब रहस्य की बाणी। ऐसे जब जाने रहेंगे तब जो है कि जजक भी आएगा तो एक बार रोकेंगे कि नहीं ये अज्ञान में। और उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। दोनों के हृदय प्रेम से प्रेम मतलब
दृढ़ अनुराग, एक दूसरे के आत्मा को समझने वाले, और जब एक दूसरे को आत्मीय सम्मान नहीं दे सकते तो बाहर से क्यों संबंध बनाते हैं, क्यों मित्रता करते हैं, उसके लायक नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई संबंध नहीं हो सकता। हो पाई भाई? और आज विश्वास किसी पर नहीं है, नहीं, माई बाबू से डर लगा था, नहीं डर नहीं लगा था कि कहीं अपने ममता का जो है कि हथियार से काटे दो लगते बन है। हाँ, पूर्ण विश्वास नहीं, जब पूर्ण विश्वास नहीं बता को संबंध कहाँ बा। तो ठीक बा, जो संबंध बा उनमें एक से बढ़िया रास्ता मिल गया, निष्काम भाव से कर्म होता उसको मतलब देखा पक्का रास्ता बन है। राम सिंह भाई, तो बृंदारे का गन सुमन बरी सही राउ जनवा से ही चले अदुम दुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सु पाई के अदुलह दुलहिनी सहित सुंदरी चलिए कोहबर ल्याई के। ये बात दुआरे हो तो जन्माष्टमी में दुआरे, और ऐसी स्थिति देख करके देवतागण फूल बरसा रहे। राजा दशरथ जी अब जन्माष्टमी की ओर बढ़े, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही, आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, समझे, आकाश में और नगर में माने आनंद छा रहा है। और तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मुनियों की आज्ञा पाक, ठीक है, आज कोनो पूछा ली पंडित जी से, पंडित जी दिया जाई जय अवतार का मोगल पंडित जी आज के जोन हो। हाँ महाराज जी ऐसे ही कहिए ना, काम होगा अपन लिया जाए। वो कह देहन कि अब कोई पूछा वाला तो नहीं बा, कम से कम कह के अपन सम्मान बचाए। हाँ भाई, लेकिन पूछे के चाहिए, ये अपन संदेश समझा दे घरे में, ठीक ना, कहे कि नाथ अगर सम्मान देबे तो सम्मान नहीं मिली, ये ना है। घरे में अगर आलू गोभी टमाटर लिया बा है तो फिर जो ना कि चिली पनीर के सब्जी मिली तो सम्मान देवे तो सम्मान है मिली ने, एक मतलब अपमान कोई के देवे ही नहीं बा। देखो पक्का करो कि अब अपमान कोई के नहीं बा। तो सीता जी के क्या हाल बा, अब जा गेलिन कोहरे ने तब वो इसे आमने सामने थोड़ा देखा था ही, अब घर सब भाई ने तो पुनि पुनि राम ही चीता वैसी असकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सीता जी
बार बार श्री राम जी को देखती है, बार बार देखती है, इसका मतलब एक टक नहीं दिखाता है, एक टक देखिए तो पगला जी है, बार बार देखती कौन, अमृता जी राम खेलावन जी को बार बार गोबर में ऐसे देख रही है, यह जाना सचली सच्ची प्रेम यह हो। कम से कम अगर सीता जी के साथ जुड़ा रही है ना, तो सीता जी नहीं बनू तो कम हम बच्ची रोहन को सीता जी बनावे, उर्मिला बनावे, श्रुति कीर्ति बनावे, बनावे माई बना से क्या रोका था, कहीं दिक्कत बा? तो बार बार देखती है और संकोच करती है, लजाती है ना, और उनका मन नहीं सकुचाता, दिखावा पे लजाते लेकिन मन संकोच भैल दिया मूर्ख मन संकोच नहीं होता, और प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे, प्रेम के प्यासे हैं, ठीक ना? तो भाई सीधी बात बा कि मिलहिन रघुपति अब बिनु अनुराग किए जोग तप ज्ञान विराग, बिना परम पवित्र प्रेम के यानी दृढ़ अनुराग के श्री राम जी कभी भी किसी को नहीं मिल सकते, चाहे तपस्वी बना चाहे योगी बना, चाहे बैरागी बना चाहे ज्ञानी बना, चाहे चारों बना, उसे उनकर मतलब हाँ। और जहां दृढ़ अनुराग कर लो वो इतना तुरंत हृदय में बैठे की उन्हें तो कोई जगह नहीं देता, सबके बैठा लेला, लालच गुस्सा घमंड जलन ममता मोह कपट दम्भ पाखंड झूठ धोखा चोरी ठगी इन्होंने के दे दिला जगह, और उन्हें जगह नहीं बा, कहा किकरे पास जगह बा, कोई किया नहीं बा, कहे को ऐसे हृदय में नहीं बैठते, बात सफा सफा बा, का कोई मंदिर का बनवावी का जो की जब अपने हृदय में नहीं जगह दे सकता है तो फिर देखा भवा मुख्य कारण यह रहा कि सब आश्रम का त्याग ले कुल आश्रम कुल आश्रम राक्षसन बदे बा, एको जो है आश्रम में प्रभु का सच्चा सेवक नहीं बा, सच्चा सेवक बदे का सच्चा सेवक बदे का चाहिए राग रोष ईर्ष्या मद मोह अजनी सपने हुई ने के बस हो, राग यानी ममता, रोष यानी क्रोध, ईर्ष्या यानी जलन, मद यानी घमंड, इसके अलावा मोह जीभ नाक आंख कान चमड़ा के वस्तु के पीछे आसक्ति, धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा पाने की कामना, जिसके अंदर इतनी चीजें नहीं रहेगी वही मात्र सच्चा सेवक हो सकता है, और आज आपके चारों आश्रम में एक भी सच्चा सेवक धरती पर नहीं है, यह खुला हुआ अवसर है, जो भी विश्व का कोई भी व्यक्ति इस बात की परीक्षा कर सकता है, अगर इनकी बाड़ी कट जाए तो इनका गर्दन उड़ा दिया जा सकता है, आज कोई सेवक तक बनने के लायक नहीं है, ठीक ने राम खेलावन भाई जवान बात बा, पक्का पक्का बा, कोई ये कैसे सेवक बन के दे बैठे, उद्धा बुद्धा अबिरा कबीरा जितने भी सब निकले हैं सब अज्ञान के कारण अहंकार के कारण नया नया पंथ खोल करके जनमानस को उथल पुथल कर दिए हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था, क्योंकि भगवान का सेवक कभी भी बिना पूछे किसी को उपदेश देने नहीं जाएगा, अपने शरीर का फोटो पूजा
नहीं कराएगा। अगर कोई कराता है तो उससे बड़ा निकृष्ट जीव कोई नहीं है धरती पर। तर्जुबा बनो पहिला सेवक पक्का पक्का। इतना चीज चित्त में न होए के माता सुमित्रा जी के बाणी बा और भगवान शंकर जी के द्वारा प्रमाणित बा। नहीं तो जब बुद्धिजीवी हो विचार करके देख ले कि इतना चीज रही तो सच्चा सेवकाई हो पाई तो यह नहीं होता। ठीक न, तो इसी के साथ मास परायण का एक ग्रहवां विश्राम। ठीक न, माने 11 दिन के कथा वहीं तक भैया 30 दिन में अगर समाप्त करेगे रहे तो 11 दिन में इतना कथा हो जाए के। और यहाँ एक महीना 11 दिन से भी ज्यादा लग गया होगी, या एक महीना 11 दिन नहीं देखा हुआ है, 12-13 तारीख से शुरू रहा हुई है, आज कितना होगा 13, तो 13 में वह जोड़ देवे तो वह 16 दिन, एक महीना 16 दिन से बाल गाने चला था। क्या करवा भुआ, समझा की जरूरत बा ये ने? कई दिक्कत बा। और ये बात बड़े प्रेम से बतावल जाता है, कोई अके वीर पुरुष हो धरती पर तो निकल के आवा सच्चा सेवक भाव लेके गुरु घंटाल के बाई है। ये सब के सब नया नया पंथ खोले, नया नया धर्म चलाए मात्र अहंकार के कारण। ये इसमें से कोई भी ईश्वर का, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे गुरु नानक राय रहा हो, चाहे मुहम्मद रहा हो, ये सब के सब निकृष्ट जीव के कैटेगरी में आते हैं। सब लोगों ने शंकर जी का विरोध किया है, इसलिए इनका त्याग इतना जल्दी हो सके जनमानस करके परम पवित्र प्रेम परम पिता परमात्मा श्री राम जी के चरणों में स्थापित करे। कर सकता है तो, नहीं तो अपना मुख किसी को मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्मा का सेवक नहीं हो सकता वह न तो सच्चा पुत्र हो सकता है, न सच्चा भाई, न सच्चा पति, न सच्चा पिता, न सच्चा राजा, न सच्चा गुरु, कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले आत्मा का सेवक बनना होगा। ये न ये भैया कोनो प्रवचन नहीं बा, बात सफा सफा बा, एक को वीर पुरुष होगा तो पहले आओ, नहीं तो सब जीवत सौ सम 14 प्राणी मुर्दे के समान पूरा धरती पर लोग जी रहे हैं। बात अगर समझ में आ जाए तो धरती का कोई भी पुत्र सन्मुख हो, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि सब जिंदा लाश है और कुछ है। ठीक ना गणेश जी, बनज जा, आप इतना से बनज जा, क्या करवे राम सिंह भाई, जोन बात बाब हुआ सफा सफा कहे गुरु ये सब ऐसे कहे कहत है। अब क्या कहे, सब जने सोचोता है कोरोता है, और यहाँ उन्हें बतावल जाता कि यह पूरे समाज की स्थिति मोह में अंधा और लोभ में बहरा हो गवाए। ठीक ने, तो ज्ञान बैराग का चक्षु दिया था आँख यह ने, और अज्ञान के दूर करता है सेवक भाव दिया था, जोने से भाई लोगन के आँख खुला, समझो बाबा जी है यार, बाबा जी पर बड़ा विश्वास हम रख के जाला। ठीक अब देखिए आगे बात बढ़ती है। अब कोहबर से निकल रहे हैं तो हाथी पे जा रहे हैं, किस पर? महावर को क्या कहते हैं? महावर जनल है? महावर की महत्व के नहीं, महावर का होला महावर उसके पहले नहीं, वो महावर नहीं देखो ठीक बात
जावक जुट पद श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनो जल जावन। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, ठीक ना? तो यहाँ सब रूप का सुंदरता देखोला ने? जो भी अपने शरीर को डेंट पेंट कराता वो राक्षस है, समझ ले? नहीं, हनुमान जी कभी स्नो पाउडर लगा रहे हैं? जामवंत जी काका भूसुंदी जी तो नहीं लगाया, समझाता ही ये ने? हाँ, जो सजावे वाली व्यवस्था है ना, जाने दिखावे दिखावटी, हाँ, जिनको ब्यूटी पार्लर चाहिए, ये सब राक्षसों का कार्य है, झूठ है, जाने खुले से ही देखो ना, शादी विवाह में बिस्पिस से गाड़ी लेके गई है, बेचारी लड़की देखा तो समझ में आवा क्या रे, चलो अच्छा बहुत धनी बा, गहन गए तो फूट एक टूटे से किलो नहीं बा, फैसले लिया के जाता है डगमग को दवाई करा सही दिखावटी काम तो राक्षस समझ के बाने भाई तो स्वभाव से सुंदर होना, और स्वभाव सुंदर कब होगा कब प्रश्न ही, स्वभाव सुंदर जब मन निर्मल हो, जब मन, और मन निर्मल कब हुई? जब मन में कपट न हुई, और मन में कपट कब न रही? जब लोभ न रही, और लोभ कब न रही? जब अहम भाव न रही। एक एक के बाद एक एक बात, जैसे ही सेवक भाव आए, निष्काम सेवा कर लो, वैसे ही मामला बदलेगा, फिर जो है जीवन में आनंद आनंद, ये ना? देखो कुल नहीं पकवा एक के बाद एक, तो सब ने क्या करे बा, खंजाट के रख के मन में, वो खंजाट के रख पा भगवान के भगत कही वे तो जावक जुत पद कमल सुहाए अमुनि मन मधु पर रहत जिन्हें छाए। महावर से युक्त चरण कमल बहुत बड़े सुहावने लगते हैं। महावर मतलब वह रंगाई, वह जो रंगा हुई है, अब भाव से यह होता है जने इनका चरण रंगे वाला करो एक जगो पवितो रवि गुरु के भयल वो श्मशान घाट पर और वो कफन के पूर के पहना देवल गल वह भयल भाई शरीर के और बाकी एन जो है सब गया साथ करके बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करके जो है नहीं प्रकाशों के बुलाए नौकरे बाद में उन्होंने परम धाम भेज दे ठीक है हो भवा पते नहीं चलो ठीक बाबू के आप लोग जैसे कि समझो पवित्र व्यवस्था रही तो कहीं दिक्कत और कहते हैं कि वह चरण समझे अब प्रभु के जो ना एक है चित्र बनावा चित्त में उन्हीं का एक है चित्र बनावे और गोड़ ऊपर रंगा रहा है बुकनी से ये ने बुकनिया से लगा होगी कुछ से या दूसरे से हाँ महाराज के मिडल आया महावर के नाम मिडल आ अच्छा सर औरत नहीं इसके तीन महीने पहला बुकनी बात है कि जो बा तो पता महावर क्या वाला अच्छा हुआ वाला तो उन्हीं चरणों पर मुनियों के मन रूपी भवरे सदा छाए रहते बताओ
बस वही चरण जो है चित्त में रहे यह तक होता। और रिजिया जो ने आश्रम भाव में रहे तो उनमें कोई दिक्कत बा, लेकिन मनवा में संसार न रहे। अब सरजू भाई रही तो अब कभी भी आ करके जितना दिन शरीर बा कभी भी संसार के एको बात छेड़े मत, ठीक ना। और मन में रही तो आई जरूर। देखे कबर यार गुरु इतना ही करके तो बड़ा गलती करे। अपन चलत के समय समझ लेल करे राम खिलावन भाई, क्या करवा ऐसे ही बा। और देखे अब भगवान का थोड़ा सा रूप का वर्णन बा। तो पीत पुनीत मनोहर धोती हरती बाल रवि दामिनी ज्योति। यरी पहने बहन के श्री राम जी हाल है यार। एहन तक जब अलर्ट रह के सुनबे तो सही बात बोलबे। जने तो पवित्र और मनोहर पीली धोती जो प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हर लेते हैं। एक जाई वाला रहा हूँ मैं। भाई अब दोनों भाव में समझो है ना, चाहे कि प्रभु के कुछ कुल लीला बा सब हम हमार माने बा। तो कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल भी भूषण सुंदर। कमर में सुंदर किंकिड़ी और कटी सूत्र हैं। किंकिड़ी वही कुछ हुई, कुछ का मतलब अथुआ जी सर करधन जी सब कुछ हुई सर। और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित। हाथे से तो कुल कब बोला तो वहां तो हथुआ से कर गए, तो वो हाथ पवित्र हुआ इसकी चाहिए ने? पवित्र के मतलब धो के नहीं, मन चित्त से जब हर प्रकार से पवित्र रहे तब बने हाथ पवित्र हुई। अपित जने उमाहा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितु लेई। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। और क्या स्थिति है भाई? हाथ की अंगूठी है, हाथ के मतलब अंगूरी वाला अंगूठी, वह चित्त को ही चुरा ले रही है। वह अंगूठी चित्त को ही चुरा ले रही। असोहत ब्याज साजे सब साजे उरे आयत उरे भूषण राजे। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे, साज सजावट और चौड़ी छाती पर यानी हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित है, ठीक ना। इतना सब पहने बाय लालची रही है कि हम वही रूप के रखो।
और जो सन्यासी बाबू कही नहीं, जब प्रभु जो है तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन, तो हमें भाई तपस का भेष रही और जैसन भेष धारण करो वैसन नाच नाचे के तस काछिए जस काछिए तस चाहिए नाचा। यानी तो पियर ऊपर ना काखा सोती अदुआ चरनी लगे मनी मोती अनयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर निधाना। पीला दुपट्टा भी रखे हैं ऊपर से। वह काखा सोती मतलब जनेऊ की तरह माने इस अवस्था में है, ठीक ना? क्या कर रहे जोन बाबू इसे रहे है ना, ऐसी शोभित हो रही है पीला दुपट्टा। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है। ललाट पर एक ललाट कह लेने जिसमें मंगल व मोती और मणि गुथे हुए हैं। यहाँ चाऊ चिपकाते थे मणि मोती का। गणेश जी जो तिलक लगा हुआ है प्रभु को उस पर मणि और मोती चिपके हुए और यहाँ का चिपकालन देखे हो गए गा कर एकदम गरीबी बहना यह रूप बनाओ प्रभु के देखो। ओ मनोहर और ऊपर से मौर है ना, ऐसा सो रहा है कैसा सो रहा है ओकरे आगे ओकर वर्णन करब दे छंद बा। कि गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही अमनि बसन भूषण वारियारति करही मंगल गावही सुर सुमन बरी सही सूत मागध बांदी सुजसु सुनावही। ऐसा मनोहर मौर जिसमें बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, यानी बहुमूल्य माने उनका कोई मूल्य आंक नहीं सकता, वो ऐसी शोभित दे रही हैं कि सभी अंगों सहित चित्त को चुरा लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं, ठीक ना? और सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां जो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती सब आई हैं, वो ऐसे दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही कि नजर ना लग जाए, भगवान की के नजर लगी, ठीक ना? माने उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है।
और साथ में मंगल गान कर रही, ठीक ना, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस माने सुंदर यश सुना रहे। तो सुंदर यश जो है निष्काम सेवा से हो लेना है, तबे सुंदर यश हुई तब ने भाट सुनी है। तो पहले तो निष्काम सेवा करवे तब ना आगे बात बढ़ी। ठीक कोह बरहिया ने कुंवर कुंवरी सुहासिनी ने सुख पाई के अति प्रीति लौकी करीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिये सन सारद कहे रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फलु सबल है। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर, कोहबर माने कुल देवता का स्थान मिलाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। लौकिक समझल है जौन प्रचलन बा, हर जगह का प्रचलन अलग अलग होला ने। देखिए गणेश का माई के माता पार्वती सीखा यार में करे बहन है गणेश का माई भाई माता पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कौर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है। माई उसन बने तू गणेश जी बन जी तो अपने आप बननी है जाने? नहीं अगर प्रकार कोई जहां गड़ा दे तो पेंसिल के घूमे को हो तो वही के चारों ने घूमी ने बस प्रकार गड़ावे के देरी वह गणेश जी के सिखावता माता बताओ तो गणेश जी बना एकदम कह की मल्हाने में पार्वती जी आ गए एकदम आ जाइए बस गणेश जी बना पक्का पक्का ठीक नहीं मल्हाने कहे तो खराब तो नहीं लगता नहीं खराब नहीं और भगवान की और पार्वती जी तो श्री राम जी को सिखा रही है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है समझे बहनों बा तो ओके सरस्वती बनावो पार्वती बनावो गणेश बनबा तो सब बन जाई पक्का बा अगर राम जी बनबा तो लक्ष्मण शत्रुघ्न तैयार करे में तनको देरी सरजू बनबा जे भी आई पास में सब पवित्र हो जाई अरे दम होला यार तन कोई मत सोचा कि नहीं हो नहीं अगर देखो यहाँ से होत नहीं बा ये ने तब एकदम बेचारे उन्होंने अपन 10 मिनट बातचीत करके कह के हमें साथ ले तो आई ये ने समझे क्या क्या सिखावले प्रेम से लेकिन परीक्षा ली है तो इनमें 99 नंबर पर फेल बा भाई 99 पर फेल 100 का 100 जे पाई वह पास वह पास ही ना भाई यहाँ तेरे को इनमें ग्रेस मार्क नहीं मिला
ठीक न, कृपा अंक ग्रेस मार्क माने कृपा अंक ने नहीं दिया। जे बन सके धरती पर सच्चा सेवक तो 100% जो है कि मुक्त होकर के मिले, दृढ़ अनुराग के साथ परम पवित्र प्रेम होना चाहिए। यानी तो पूरा राजा का निवास यानी रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही। तो भाई देखो तुझे इतना बढ़िया देवता भाई है कि तुके सबके कम से कम काने से बढ़िया समझदारी के साथ समझे के मौका यार। अब यही से अब संतोष कर ला कि क्या करवे भाई। एक है तो इंद्री कम से कम ग्रहण करा था, अगर आंख नहीं देख पावा था कम से कम कान तो सुन पावा था, संतोष करवे तब मैंने काम वही बात। तो निज पानी मनी महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की अचालतिन भुज बलि बिलोकनी चालतिन भुज बलि बिलोकनी बिरह भय बस जान की अकौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान ही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सीता जी के हाथ में मड़ी जड़ा हुआ जने सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही देख रही। हाथ में जो मड़ी है उसमें देख रही है, ऐसे सामने नहीं तक रहा है ये ना। राम खिलावन भाई जब मड़ी के जो ना कि वो बना के ले दी तो अपने देखे गुरु मड़ी कहाँ मिली बल्कि सीता के ठीक ना। यह बात देखो भाव भाव बोलिए ठीक ना, और भाव रहे तो वह मड़ी समझ में आई। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। बाहु रूपी लता माने हथुए में मड़ी बा और वो दिखाता रूप सावले सलोने के, तो ये लता के और दृष्टि के हिला डुला नहीं रही। नहीं नहीं तो दर्शन हाँ हिले ई प्रेम हुआ के असली प्रेम यहाँ हो समझे। हुकुम नकली रहा घरवा में झूठ है सही लालच से प्रमाणित तो हो गल ना कि लालच से कुल प्रेम बा। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती हैं। ये ने उसके बाद जब सब हो गया तो तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा के चली। सखी लोग अब दुल्हीन और दुल्हा दोनों जनवासे जा रहे हैं, सखियां लेके जा रही। अते ही समय सुनिया आशीष जहां तहां नगर नभयान दुमहा
अचिरु जिया हूँ जोरी चारु चारियो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव बिलोकी प्रभु दुम दुभिहनी चले हरसी बरसी प्रसून निजे निजे लोक जय 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 भनी। देख जय भार तीन बार नाम आयल बा। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही और महान आनंद छाया हुआ है। ठीक है, अब जब हर जगह जय जय कर बात आनंद दे रही थे, झगड़ा हुई तब आनंद आई। तो जानकी जी, अच्छा, सभी लोग प्रसन्न मन से कहते हैं कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। चिरंजीवी मतलब समझ ले, लंबे समय तक जिए माने अमर, ऐसे समझ ले। तो वो सब एक कहा, वो सब तो एक व्यवस्था के सब आठों लोग एक हैं। वो खाली लीला बोले दिखाओ थे कि ऐसे करे के चाहिए अगर मनई के जीव शरीर बात है। ठीक न, योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुमदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करके करके नहीं करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए, किसकी, श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते हुए अपने अपने लोक को चले। ठीक ना, तो सहित बधू तीन कुंवर सब तब आए पितु पास अशोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब यानी चारों कुमार श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी बहुओं सहित, बहु माने श्री सीता जी, श्रीमती उर्मिला जी, श्रीमती मांडवी जी और श्रीमती श्रुति कीर्ति जी आठों लोग पिताजी के पास आए जनवासे में। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। शोभा दुल्हन लोग हैं है? और मंगल तथा आनंद जो है चारों भाई हैं, यही ने ठीक। अब इतना होगा, जन्मासे पहुंच गए तो पुनि जेवनार भई बहु भांति ने यह सोचा था कि दाल भात अभी आयल नहीं, क्या चक्कर वा अरे और कुल रहा नहीं समझ लेता। तो पुनि जेवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाई बराती अपरत पावड़े बन बसन अनुपा सूतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी,
और जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजे। तब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किए और अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं, ठीक ना। तो सादर सबके पाय पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे। आजकल पीढ़ा उड़ा नहीं चलाता ने, आपो कुर्सी बैठ के खाए होबे ने, जरूर खाए होबे भाई। सुना एक कुशा गांव के बाऊ साहब रहे जाने, अब उन कभी जानत नहीं रहे बफो सिस्टम। अब वहाँ पहुंच गए तो वहाँ खुल तक रहा कि भाई अपन अपन ले ले खा जा। लेकिन एक आदमी जो नो कटोरा में घी लेके चम्मच से डाला सबको, तो उन्हें तो पहले बड़ा बेतुका लगा, तो फिर उसके गठन घी का हो घी साहब, तो कह जब सब हाथों से लिया हो देखे तू हाथे में कहा ले है दे। गांव का आदमी है ना, अब वो सोचे कि अच्छा वो अपने हाथे से, शायद हमारे हाथे से न ले तो अपने हाथे से ले, अब लेन का पूरा गेंदी और वो हाँ वो भागा कटोरा कहे कि गांव के लोग क्या करना है, गांव के लोग बड़ा खाए पिए मस्त रहा है, बड़ा आनंद भजन है। और लेके पी गए ड्राम में पूरा करीब आधा किलो के आसपास थी नहीं है ने। चले कोई बात नहीं, तो आदर के साथ सबके चरण धोए। कौन? जनक जी, निशित बाना और यथा योग पीढ़ों पर बैठाए। बतावत आई कि भाव ले आके करे जब शुरू करवा, अभी बच्ची लोग भाई जने एकदम उम्मे जो हो सच्चा क्षत्रिय पन बा, नीति बदे खाली। लेकिन जहां सम्मान की बात आओ तो ए स्तर का सम्मान हुए के वहां ही मत सोचे कि नीचे वाली बात बा। हाँ, विनती विनम्रता माने वही विनती विनम्रता सम्मान, ये सब बड़ा अलग व्यवस्था बन है। तो धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सने हु जाई नहीं बरना। सबको बैठाने के बाद तब जनक जी अयोध्यापति दशरथ जी के चरण धोए और उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। खड़ा रहे, ठीक ना। उनका सील यानी प्रेम, ठीक ना, वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी भाई, तू यही समय आल है जौने समय बाणी आवता कि जनक जी क्या कर रहे हैं कि बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल मोहु गोए। अब जनक जी श्री राम जी के चरण को धोते हैं। कौन सा चरण? जो शिव गुरु के हृदय में हमेशा रहता। देखो नाथ, इतना बड़ा जगह बात हो, जनक जी पैर धोत है जने, तब समझ जनक जी से पैर धुआ गल उतना पवित्र बना कि शिव जी अपने मन में आपके रखे है। ये न बैठो कहे गुरु एकदम सही समय पर बतिए होला, कहे कि शिव गुरु सही समय पर छोड़ो ले कि अब वो तो समझ, अब नहीं तो फिर कब। हाँ,
अब अगर ना समझ में आई तो आप राम खिलान भाई ठीक ना पक्का पक्का कहे कि बिना प्रारब्ध के कुछ होत नहीं। अति न्यू भाई राम सन जानी धोए चरण जनक निज पानी। और तीनों भाइयों को ठीक ना राम जी का धो दिए अब तीनों भाई बचे ना तो अपने हाथों से श्री राम जी के समान समझकर उनके चरण धोते। इह सच्ची क्षत्रिय रीति इतना भाव हुए के चाहिए तब तो बिटिया का ब्याह करो नहीं चाहिए तो यही है नहीं तो जोन करता है ओकर कोनो मतलब खाली फॉर्मेलिटी बा भाई कहे कि हमें कोनो धन लगत नहीं बा इतना भाव रही ठीक ना तब जो है बच्ची लोग देवी का स्वरूप ली है और देवी रही है तो वो कितनो कोई बिगड़ा रहा है वो देवता स्वरूप बन जाए अपने आप जाने भाव में बहुत बड़ा ताकत हुआ ना ठीक तब पैर का धुलाई होएगा तब लिया तो आसन उचित सब हिंदी पे दीन है अब बोली सुपकारी सब लीने। उसके बाद राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए कुल बराती का पैर नहीं धोए हाँ ये नहीं कहता है लेकिन जे रिश्तेदार और जे मतलब वो बोला ना भाती जो सबका एकदम बनाए रखे भाव रखे रहे जाने कहिए कि यार आखिर की कैसा जो है बताओ भाई चारों तरफ जहाँ सुनवे भैया इतना ब्याह में गए लेकिन ऐसा राम खिलाऊ जैसा समझी कहीं तो देखा अपने आप वो भाव सब लोग उठा शुरू करी हैं एक ही जब कोई शुरू करी तब ने समझे में तावा था ऐसा चरित्र करो जौन की आदर्श रूप ले ये ने कोई करे चाहे मत करो उसे मतलब नहीं बा तो बैठ गया ना बात तो सब जब उसी उचित आसन पर बैठ गए तब सूपकारी सूपकारी माने परोसने वाले अच्छे इन्हें की लड़कन के बुला के दे दी पानी दलातन गिरा दे अच्छे परोसने वाले को जो है बुला लिए ठीक ना तो भाई साहब गणेश जी अब समझो तो सबसे पहले सामने का आई बैठ गया सब जने का आई पहले पहले पत्तल आई एकदम सही तो वो पत्तल केथुआ का बना हो पहले ही देखो सुनवा तो हाँ सबसे बताओ तो सुना पहले दाल भात से बाद में आए पहले पत्तल से समझो तो सादर लगे परन पनवारे कनक कीले मनी पान सवारे तो आदर के साथ पत्तल पड़ने लगे जो मड़ियों के पत्तों के बने हुए हैं माने महुआ के पत्ता का नहीं किथुआ का मड़ियों के पत्तों के और उसमें सोने के कील लगे हैं नीबी का ठीक नहीं नीबी का तो कम हो नहीं पहले छेद छेद कर रहे तब ना थोड़ा कर ली ठीक ना तो मड़ियों के पत्तों के ठीक ना पत्तल बनाए गए हैं और उसमें सोने के कील लगे हुए
ठीक ने भाई, अगर आज वो राम जी आए माता भुवनेश्वरी भाई तो जनक बना वैसा व्यवस्था बना हुआ फिर सोचा जाए नहीं नहीं तो कहा ये शरीर छुआ कब नौबत आई कहे कि बहुत बड़ा मांग बा उनकर जाए दे भाई ठीक। अरे मन से आत्मा से एक हुआ के चाहिए, शरीर से का मतलब बा ठीक ने, तो पत्थर पड़ गया ये ने, तो सुपोदन सुरभि सरपि असुंदर स्वादुपुनि अछन महु सब के परुष गे चतुर सुवार बिनीत। तो चतुर और विनम्र रसोइये, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस मनमस खाए के बाब जने अब हो जा राम जी की तरफ से नहीं कि परोसा वाला खाए वाला के वैसे दोनों बढ़िया बात दोनों पवित्र बात, लेकिन पहले खाए वाला बन बने तो खाए वाला बने का मतलब कि अब राम जी के जो है संगी बनो, अगर मुँह से निकला बा ठीक ना तो राम जी के संगी रह तो काम वही था, कहे कि संगी जी के बनी बा उसे ही बन जी बे और उसे ही बने के बा तो क्षण भर में सबके सामने परस दिए गए। तो पंच कवल करी जेवन लागे अगारी गान सुनी अति अनुरागे। तो सब लोग पंच कौर करके भोजन करने लगे, लेकिन अगर खाली पंच कौर कह दे तो भाई पंच कौर का होला महाराज पता लगी ऐसे ऐसे नहीं पता बा प्राण वायु क्या ना पंच प्राण होला पंच पांच ठो प्राण होता है प्राण अपान समान व्यान और उदान क्या क्या प्राण समान अपान व्यान और उदान ये पांचों प्राण कोई नाक से हृदय तक तो हृदय से यहाँ तक फिर इसके नीचे कोई पैर तक ये पांचों प्राण सभी इंद्रियों को सक्रियता प्रदान करते हैं। तो पंचकौर माने ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा माने पांच प्राणों के लिए पांच कौर पहले देते हैं। वो पांच निवाला जो ले खाए वाला ना तो पहला जो है ये पांचों निवाला पांचों प्राण के लिए दिया जाता है ठीक ना उसे सब समझा दे आराम से। तो पांच प्राण होते हैं और सभी को संतुष्टि देना पड़ता है और लोग ओकर नमो नहीं जान होता है बस जहाँ पड़ा नहीं कि वहाँ बस खटाखट देखबो ना करिए ठीक ने कहा कि पता है समझो
पूरा एकदम एक एक चीज का व्यवस्थित व्यवस्था बात। पंच प्राण होते हैं उनके लिए पांच कौर लेकर के फिर भोजन करने और देव सुंदरियां वो मनोहर बाड़ी में गाली गा रही ठीक ना, और लोग वह गाली सुनकर प्रेम में मग्न हो जाते ठीक। तो भांति अनेक परे पकवान, भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ कि परुषन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। तो चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। फिर भी चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चार प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, चार प्रकार के भोजन मिल रहे हैं। चार हुआ चोस ले और पेय, चार्य चर्य का अर्थ होता है चबाकर खाने वाला ने? चोस चूसने वाला, ले चाटने वाला, और पे माने पीकर खाने योग्य जो पीने वाला, चबाकर चूस कर चाट कर और पी कर ये ने? उसमें एक एक है, चबाए वाला एक एक है। इतने विधि से इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ये ने? एक बार ऐसा भाव आ रहा क्या ब्रह्मा जी ऐसा मन ही बनाए होते कि एक बार एक साल को भोजन कर ले फिर निकल ले नहीं, लेकिन मामला ऐसा बा नहीं कि बा क्या करवे। लेकिन इतना है कि जब प्रभु के चरण के चित्त में बैठेबे जने तो सब फिर भूख प्यास के कहीं जगह न रहे। अब जब चरण नहीं बा हमेशा लगा बाकी चली आटा ऊपरी के लहाई तपस्या तो न हो ठीक ना। तो जेवत दे ही मधुर धुनि गारी, अलल नाम पुरुष अरु नारी। अब देखिए जो स्त्रियां हैं और भी हैं जनकपुर की ना, तो भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर
स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही यानी गा रही है, ठीक ने? तो इतना सुना के मिला, अगर कोई का नाम नहीं आया गाली में ना, तो जा करके उस संकेत दिया ला कि कदे नहु है, वो नहु के कह दे ये ना, ऐसा कभी होला कि नहीं? प्रेम अलग से ओके समझावल जाए, ओकरे पीछे सब रहस्य बा, लेकिन वो रहस्य के लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग तो उखड़ जाते हैं। अब उखड़ा के कहीं नहीं बा, उखड़ा उखड़ना खत्म, क्या करवा जब कुल ज्ञान है मेरे पास। तो समय सुहावनी गारी बिराजा हसत राउ सुनी सहित समाजा। तो समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही, ठीक ने, और उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं, ठीक ना? क्योंकि समय से सब अच्छा लगा ला। यही विधि सब ही भोजन कीना आदर सहित आच मनु दीना। इसी रीति से सभी बराती लोग सहित जो भी भाई बंधु लोग हैं सभी ने भोजन किए और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। यह ने आज कहीं अरे देखो खाली नारे तुद्दुआ चला देते हैं, वो रहे कहा वो नहीं बापरे, हर जगह खाली ने। अब देखा नया शुरुआत करे राम किरण भैया ने, तब समझा जनक जी के तरह अब रहो ने, कम से कम जब तक माया धरती पर आश्रम में तब तक जनक जी की तरह रहो, उतना जितना सम्मान जनक जी के सबके बदे रहा उतना आप लोग हल ये नहीं बदना ही कहता हिंगराज भाई, मत सोचो भाई अगर घरे से जुड़ा है तो ये भाव रखो, ना ही जुड़ा भाई इनके एक तरह बात तो बात अलग हुआ। तो जब हाथ मुंह धो ले हैं तो आपका बच्चा तो दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज अजनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी समाज सहित दशरथ जी का पूजन किए, ठीक ना? और सब राजाओं के सिरमौर यानी चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे की ओर चल दिए। ये समय एक शरीरी का एक ही अवस्था बा, जने बता दे जौन अवस्था बा, बड़ा विशेष अवस्था बा, कहो तो बताई सही बताओ तो। इसमें बड़ा कटकटा के भूख लगा बा, सही में यार यह अवस्था बा, बहुत कटकटा के भूख लगा बा, इस समय दूधोहा कहे के बारे की नहीं का होता ब्रह्मा सब जाने भा, लेकिन सही बता दे बहुत कटकटा के भूख लगा बा, पानी लिया भाई यार ठीक ने? अब पता नहीं वो का होता जो होता सही सही जानो, कभी ऐसे ना भूख लगा नहीं रहा, लेकिन आज भूख लगा था, क्या करवे ठीक। तो इतना प्रेम पा करके प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ जी
ने ठीक वो भाव भाव के वजह से होता, बाकी कुछ अलग ठीक ने। तो नित नूतन मंगल पूरे माही निमिख सरिषे दिने जामिनी जाही। अब जनकपुर में रोज नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, रोज के खाता है तो कम हम जोले पा हरिओम। तो जनकपुर में रोज नए नए मंगल हो रहे हैं। देखे जब सेवा होता तो दिन रात फटाफट बीत जाता पता नहीं, और जब प्रेम नहीं रहा जब ई वाला जीवन रहा बोझ वाला तो मैं देखा ना सब यह गर्म क्या करिए दिन का करता है यह वो कटत नहीं बाप समझ ले भाई नहीं। तो भाई दोनों प्रकार का जीवन जी सकल है ये ना ठीक। तो अब सो गए सब लोग, अब ज्ञान अब सो गए सो गए। तो बड़े भोरे भूपति मनि जागे जाचक गुने गने गावन लागे। तो बड़े सवेरे यानी भोर में ही राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक यानी मांगने वाले लोग उनके गुण समूह का गान करने लगे ठीक ने। सुयश के सुंदर यश कीर्ति कैसे होला निष्काम सेवा से। अब देखो पता लगा था ऐसे ही होला पोषण कर तो देखी कुवर बर बधुन समेता किमि कही जात मोदु मन जेता। तो चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देखकर राजा दशरथ जी के मन में जितना आनंद है वह किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता ठीक ना। तो प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। तो सुबह की नित क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ। तो महान आनंद और प्रेम उसी के अंदर हो सकता है जो श्री शिव जी को अपना गुरु समझे। जिसके अंदर सत्य है उसी के अंदर प्रेम और आनंद हो सकता है, जहां पर सत्य नहीं है वहां पर संभव कपटी के अंदर कहां से रही भाई ये ने। तो करी प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तो जाते हैं प्रणाम करते हैं उसके बाद पूजा करते हैं, समझ रहे हैं। और इतना करने के बाद कौन कौन करते हैं दशरथ जी कहो थे चित लगा के सुनो ठीक ना। जनवासी में जनक जी कहाँ पे अनुदर पर मोहन पे सुनो, कहे कि यहाँ
फिसला मत, साथे साथे रहबे तो सही सही जवाब देबे। ये ने कल रहलन है, देखो उसमें इतना सुने बन तब वो कितना डांट खाए नहीं। ठीक, तब ऐसी बाणी बोल रहे हैं जो बाणी अमृत में सनी हुई है, अमृत में सनी हुई। धर्मराज के ब्याह करो, देखिए ये बाड़ी भाव तब तक लियावत रहो, देखिए भाव आवला। अमृत में सनी हुई बाड़ी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। कहते हैं मुनिराज सुने, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। नहीं जो समझे ले, लड़की लड़का के ब्याह हो जाए तो पूरा हो जाओ, तो जब सब हो जाए तब ब्राह्मण देवता जे भी पुरोहित हो उसे हाथ जोड़ के यह विनम्र भाव से कि आपकी कृपा से महाराज आज हम पूर्ण काम। ठीक न, ये भाव बदे बा। और क्या कहते हैं कि अब सब भी प्रबोलाई गोसाई, देहू धेनु सब भांति बनाई। कहते हैं हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह माने गहनों एवं कपड़ों से सजे हुए माने सजी हुई गायें दीजिए। ठीक है, गौ का दान बहुत बड़ा दान होता है ब्राह्मणों के लिए, और वो भी कैसे कपड़े और गहनों से सजा कर। ठीक है भाई, कपड़ा और गहना से कैसे सजा हो जाता, लेकिन कम से कम भाव। हाँ। नहीं तो मन से ही तो कम से कम सजा दीजिए। ये ने तो सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, अपुनी पठाए मुनि वृंद बोलाई। देखिए यही से कहते हैं दान दहेज, माने दहेज के जौन कुछ व्यवस्था रहे सब दान में दे देवे के, यानी यह ने और प्रेम से जितना मिला उतने, कभी भी कोई को ऊपर दबाव न देवे के। आज यहाँ देखवे ये सब कुछ मारकर लोग जहाँ जीवे शादी बदे वहाँ गड़ी भी चीज तो ऐसी बाड़ी अमृत में सनी हुई सुनकर, समझो बड़ा बारीक बात, गुरु जी यानी वशिष्ठ जी राजा दशरथ की बड़ाई करके तब मुनिगणों को बुलावा भेजते। यही ना, तो बाम देव अरु देव ऋषि, बाम देव अरु देव ऋषि, अब वाल्मीकि जा बाली, आए मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वशिष्ठ वामदेव जी वशिष्ठ मुनि के भाई कुटुंबी है, देव ऋषि नारद जी, वाल्मीकि जी, जाबाली जी और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए।
समूह माने इकट्ठा होके लोग, और देखिए मानसिक तो कर सकते हैं, मन से गाय सजा करके दान दे सकते हैं, तो क्या है किन्हीं चरित्रों को धारण कर लीजिए। मुख्य बात यह है कि चरित्रों को धारण करिए और मानसिक पूजा करिए। कोई आवश्यकता नहीं है भाई, आज उतना नहीं है तो कहां से देंगे, लेकिन मानसिक, अगर मानसिक दान नहीं है तो फिर खाली वस्तु का दान से कोई मतलब ये न। तो जब सब लोग आ गए तो दंड प्रणाम सब हिन्पकीने अपूजी सब प्रेम बराशन दीने। समझो दशरथ जी सभी ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत बिल्कुल। तो कहे गुरु आज तक हम तो सब पागल बना देगी, नहीं कुछ नहीं, जवन भाव रहे ओके करे में कोनो दिक्कत ये ने। और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए, अच्छे आसन पर। अब सुनिए, घबराइएगा नहीं, कहे कि ओ भाई पूरे ब्रह्मांड के जो एकलौते स्वामी हैं श्री राम जी के पिता हैं, तो उनके लिए कोई चीज नहीं, उनके लिए क्या चीज। तो चारि लक्ष बर धेनु मंगाई काम सुर भी समय सील सुहाई सब विधि सकल अलंकृत कीनी अमुदित महीप मही देवन दीनी करत विनय बहु विधि नर नाहु लहे हूँ आजु जग जीवन लाहू। 4 लाख कितना, 4 लाख उत्तम गाय मंगवाए, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी, ठीक ना। उन सबको सब प्रकार से यानी गहनों कपड़ों से सजाकर राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर भूदेव धरती के पहले देवता ब्राह्मणों को दिए, ठीक। और राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि आज जगत में मैंने जीने का लाभ पा लिया, ठीक ना। दान दे रहे हैं और विनती दे कर रहे हैं, ठीक ना। आज कहीं धीरज बा नहीं, दान दिए कि हमारा जितना देते उसका चाहिए, जहां बोल दिला उतना खत्म हो गया सो। तो पाई आशीष मही सुनंदा लिए बोली पुनी जाचक वृंदा कनक बसन मनी हय गय चंदन दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। भाई अब ब्राह्मण लोग गाय पाए तो आशीर्वाद दिए, और उस आशीर्वाद को पाकर राजा दशरथ जी आनंदित हुए, और फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिए जो मांगने वाले, और सबको उनकी रुचि पूछ के कि भाई तुके का चाहिए, यानी रुचि पूछ कर सोना वस्त्र मणि घोड़ा
हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उनको वही दिया दिए, ठीक ना। तो चढ़े चले पढ़ते गावते गुने गाथा, जय 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 दीने कर कुल नाथा। कहते हैं कि वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी दशरथ जी की जय हो जय हो जय हो। नहीं जय पाई तू जय जय कहना करते हुए चले, ठीक ना। तो यही विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे हजारों मुख है, जिन्हें हजारों मुख है शेष जी, वे भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। ये न तो बार बार कौशिक चरण असी सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। इतना करने के बाद ठीक ना बैठ पाओ था दिमाग में कि नहीं, जितना कुछ जनक जी और दशरथ जी चरित कर रहे हैं, राम जी के संगी अगर बने की बात है फिर वो सही भाव हुआ चाहिए ना। तो इतना करने के बाद बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। अब जब मांगे गए हैं तो कहन मुनि विचार करके नहीं मांगता है, ठीक ना। देखो जे इतना बड़ा दान वीर बा वो फटक जाता ना, तो वो प्रेम के बस में हुआ कि कारण, और पवित्र प्रेम आप कोई के कर सकल है, कोई भी परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग आप किसी भी जीव को कर सकते वह गलत नहीं है, ठीक ना। तो प्रकाश से अब भगवान के शादी के कार्यक्रम यहाँ संपन्न बा, अब विदाई उदाई के कार्यक्रम अब हुई तब अब रात भर रहे थे। देखो ये न राम जी भाई पले करें ठीक होगी। तो इसी वाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचंद्र भाई सहित सभी भक्तों की जय। हरे हरे महा